मान लीजिए आपको अपने एक्सेल शीट में कॉलम और रो की विड्थ अपने हिसाब से सेट करनी है, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लीजिए पूरा। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पर जाइए, ऊपर फॉर्मेट पर रो हाइट है, रो हाइट पर क्लिक करिए। यहाँ पर 19.1 है, मान लीजिए इसको आपको बढ़ाना है तो यहाँ पर 25-24 कर दीजिए। देखिए ये रो आपकी चेंज हो गई। इसी हिसाब से मान लीजिए कॉलम की विड्थ बदलनी है तो ऊपर जाएंगे फॉर्मेट पर, फॉर्मेट पर जाने के बाद कॉलम विड्थ पर चले जाएंगे, डिफॉल्ट विड्थ पर डिफॉल्ट कर दीजिए इसको 12। मान लीजिए आपको 16 करनी है, 16 कर दीजिए। देखिए ये आपका उसी हिसाब से कॉलम भी सेट हो गया। तो है ना मजेदार ट्रिक।